आज की वीडियो कुछ अलग और एक ऐसी टेक्नोलॉजी को लेकर है जिसे आज से पहले भारत में कुछ गिने चुने प्रोजेक्ट्स में ही इस्तेमाल किया गया था, लेकिन भारतीय आर्मी अब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने जवानों को सर्दी की मार और यहां तक कि टैंक्स के हमले से बचाने में करने वाली है। हम बात कर रहे हैं 3D प्रिंटेड बंकर्स के बारे में, जिसका इस्तेमाल ऑलरेडी यूरोप और अमेरिका जैसे कई देशों की आर्मीज अपने जवानों के रहने और हथियार स्टोर करने के लिए करती है। कुछ ही दिनों पहले हमने L&T द्वारा 3D प्रिंटेड घरों के कमर्शियलाइजेशन को लेकर एक वीडियो बनाई थी और इसमें हमने बताया था कि कैसे ये टेक्नोलॉजी आम जनता के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग मुहैया करा सकती है। के हर देश में फिलहाल 3D प्रिंटेड कंक्रीट होम अभी पहले चरण में है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार भारत ने डेवलप्ड देशों के साथ कदम से कदम मिलाने की ठान ली है और न केवल घर बल्कि आर्मी, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि 3D हाउस या बंकर प्रिंटिंग है क्या और इसका इस्तेमाल किस हद तक भारतीय इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में किया जा सकता है। बाकी 3D प्रिंटिंग की तरह ही इसमें छोटे छोटे कणों को मिला के एक बेजोड़ स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है जिसमें कॉन्क्रीट का इस्तेमाल रॉ मटेरियल की तरह होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 3D प्रिंटिंग से बनी बिल्डिंग्स की उम्र ईंटों से बनी बिल्डिंग से लगभग दोगुनी होती है। आर्मी द्वारा 3D प्रिंटेड बंकर्स के बारे में अगर आप सुनेंगे तो अपनी भारतीय होने पे गर्व करने लगेंगे। ये बंकर्स आर्मी की सर्विस में अगले साल से शामिल होना शुरू हो जाएंगे। क्विक ड्राइंग कंक्रीट और स्पेशल ग्रेड के कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल इन बंकर्स को बनाने में किया जाएगा। इन बंकर्स की टेस्टिंग करते हुए ये पता चला कि T90 के एम्युनिशन तक की मार ये बंकर झेल सकते हैं। दरअसल ये बंकर्स रेडी टू मेक प्रिंसिपल पे आधारित होने वाले हैं, मतलब एक बंकर को अलग अलग मॉड्यूल्स को जोड़ के बनाया जाएगा और ये इतने हल्के होंगे कि जरूरत पड़ने पर इन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी किया जा सकता है। आर्टिकल के मुताबिक इन बंकर्स के सबसे भारी हिस्से का वजन केवल 40 किलोग्राम है। आपको बता दें कि ये बंकर्स IIT गांधीनगर और IIT मद्रास के स्टार्टअप्स द्वारा डेवलप किया गया है और इन बंकर्स को बनाने वाले 3D प्रिंटर्स तक स्वदेशी हैं। अभी तक केवल 20 ऐसे 3D प्रिंटेड बंकर्स बनाए जा चुके हैं, लेकिन सीमाओं पे इन्हें हजारों की तादाद में बनाने के लिए जल्दी ये प्रिंटर्स आर्मी के पास भेजे जाएंगे। अच्छी बात ये है कि ऐसे 3D स्ट्रक्चर्स की वजह से सीमाओं पे एक्सकेवेटर जैसी हैवी मशीनरी की जरूरत कई हद तक कम हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज का ट्रैवल व्लॉग नए चैनल पे आ चुका है। इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ब्लॉग देखना मत भूलिएगा। बात करें 3D कंस्ट्रक्शन की तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर IIT मद्रास द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था और अब इसे आम जनता के लिए कमर्शियलाइज करने के लिए L&T चेन्नई और बेंगलुरु बेस्ड कई बिल्डर्स के साथ डिस्कशन करना शुरू कर चुकी है। न केवल कम समय में बल्कि ऐसे 3D प्रिंटेड घर कन्वेंशनल घर से काफी कम कीमत में कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। इससे मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तो बचता ही है, इसके अलावा लेबर कॉस्ट में भी कई गुना बचत की जा सकती है। नॉर्मली 3D प्रिंटिंग में पॉलीमर्स या एलॉय मेटल पाउडर का इस्तेमाल होता है, लेकिन कॉन्क्रीट का इस्तेमाल हाल ही के कुछ महीनों में शुरू किया गया है। इसके अलावा भारतीय रिसर्चर्स द्वारा कुछ और नए मटेरियल्स के इस्तेमाल का आकलन भी किया जा रहा है। भारत में एक स्पेशल ग्रेड की कंक्रीट को डेवलप कर लिया गया है जिसकी मदद से न केवल भारत बल्कि ओवरसीज हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में भारत अपना नाम दर्ज करा सकता है। IIT रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के प्रयास को अपना सपोर्ट दिखाने के लिए कमेंट सेक्शन में MII लिखने के बाद वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।